हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रेयसी। पहले हम लोग ने शेप्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा, साइज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टूथ के क्या है? डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस सेज इन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। पहला हम लोग का हो गया एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता क्या है देखते हैं। इट इज ए हेरिडेटरी डिसऑर्डर। ये एक तरह का हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जो कि इनामेल फॉर्मेशन में अफेक्ट करता है इन बोथ डिसीडियस एंड परमानेंट डेंटिशन। ये एक तरह का एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जो कि डिसीडियस और परमानेंट डेंटिशन दोनों में इनामेल फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें अफेक्ट डालता है। ये जो है चार तरह का होता है। इसका क्लासिफिकेशन फोर टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हो गया आपका हाइपोप्लास्टिक, हाइपोप्लास्टिक। सेकंड वन इज हाइपोमैच्यूरेशन। हाइपो और हाइपर में पहला आप अंतर जानिए। हाइपो मैंने कम, हाइपर मैंने ज्यादा। तो क्या है? हाइपोप्लास्टिक, हाइपोमैच्यूरेशन। थर्ड वन इज हाइपोकैल्सिफाइड। लास्ट इज कॉम्बिनेशन टाइप। ये आपका हो गया एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आप ये फिगर देखिए कि ये कैसा होता है। हम लोग ने जैसा कि फिगर में देखा एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, अब हम लोग उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आएंगे जिसका है एनवायरमेंटल इनामेल हाइपोप्लेसिया। इन्वायरमेंट इनामेल हाइपोप्लेसिया क्या होता है? हम लोग का जो दांत होता है इसका ऑर्गेनिक इनामेल मैट्रिक्स में इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग इन्वायरमेंटल इनामेल हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। पहला होता है हेरिडिटरी टाइप, सेकंड वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम लोग ये फिगर देखेंगे कि ये इन्वायरमेंटल इनामेल हाइपोप्लेसिया कैसा होता है। जैसा कि हम लोग ने फिगर में देखा कि एनवायरमेंटल इनामेल हाइपोप्लेसिया कैसा होता है, हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनवायरमेंटल इनामेल हाइपोप्लेसिया डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमारे इनामेल पोर्शन, हमारे टीथ में अफेक्ट डालता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, एनी क्वेश्चन, प्लीज आप क्वेश्चन जरूर पूछें और अपना टॉपिक भी बताएं जो आपको पढ़ना हो। थैंक यू।